मार्केट में लीची बहुत सारी आ गई हैं, तो मैंने सोचा चलो लीची से कुछ बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे लीची आइसक्रीम। तो इसके लिए हमें चाहिए लीची, और ये एकदम फ्रेश लीची है। तो लीची को यूज़ करने से पहले उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब उसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लीची छिलके एकदम रेडी है। अब इसको दो बोल में डिवाइड कर लेना है, और उसको छिलके उसका अंदर से सीड निकाल लेना है। तो अब मैंने एक बोल में जो लीची था उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और दूसरे को मैंने क्रश कर लिया है, उसका पेस्ट बना दिया है। अब हम लेंगे एक बोल और उसके अंदर डालेंगे फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क, एंड ये जो हमने पेस्ट बनाया था लीची का वो। अब एक डबल बीटर की हेल्प से उसको अच्छे से विस्क कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉप किया हुआ लीची और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे एकदम स्मूथ आइसक्रीम का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसको एक पॉलीथीन रैप से उसको रैप कर लेना है। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हो। अब इसको फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिया है चेरी, और चेरी को एकदम बारीक चॉप कर लेना है। अब हमने जो आइसक्रीम रखा था सेट होने के लिए, ये सेमी सेट हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे और इसको स्क्रैप करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चेरी, अब ऊपर से थोड़ा सा और चेरी डालेंगे गार्निशिंग के लिए, और फिर से पॉलीथीन रैप से रैप करके उसको फ्रीजर में ओवरनाइट या फिर 5 से 6 घंटे के लिए उसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देना है। अब हमारा आइसक्रीम एकदम रेडी है, तो पॉलीथीन हटा लेंगे और उसको सर्व कर लेंगे। तो ये हमारा लीची आइसक्रीम एकदम रेडी है, बहुत ही स्मूथ एंड टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। तो इसको और थोड़ा सा गार्निश करेंगे थोड़े से टूटी फूटी के साथ। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।